खा रहा है। अब ये क्या, मैं इसको खुद खाने देता हूँ, एंड में देखूंगा घुल मिल गया है, घुल मिल गया ये कह सकते हैं। जैक का ही होता है वो, माशाल्लाह से भाई इनके जो, जैसे मैं बोल रहे थे ना, शहजादा बहुत अच्छे, सिर्फ केस पे पड़ ली है, बाकी कहीं नहीं। शहजादे साहब बैठे हैं विंडो पर, 10 लोग हो गए ना, अब इसके लिए माद ही ढूंढनी है। मैं 2-4 में कम से कम इस पोर्शन में तो आते हैं भाई, दिखे शैतान कबूतरी अपने बच्चों के साथ है, ये सारे यहाँ है। वाह भाई वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होकर अपने भाई को गांव में जरूर याद कर रहे होंगे। हम मौजूद हैं अपने शॉर्ट मेरू के छोटे वाले पोर्शन में। आज छोटे वाले पोर्शन में उसकी वजह ये है कि हमने शैतान कबूतर के बच्चों को देखना है भाई। आज तीन चार दिन होने को आ गए भाई, हमने इसके लिए जो है ना मादी ढूंढनी है, और कल इंशाल्लाह, कल या परसों इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मार्केट का चक्कर लगाएं, अगर हमें मिल जाती तो मिल जाती। बाकी शेरू उस्ताद देख लें आपने, माशाल्लाह से इनके बच्चे निकले हैं। लाल वाला तो हमारा फर्स्ट, हमारा जो टास्क है ना वो इसकी इसकी जो है ना इसकी इसकी मादी ढूंढना है, इसकी मादी। और इसका हमें मलका का आज तक पता नहीं चल रहा कि नर है कि मादी है, फिलहाल तो नहीं। इसके लिए हमने टास्क मादी ढूंढना है, बाकी उसके साथ कोई और, कोई उसके साथ कोई और सेटअप हो जाए तो यार। देखें लाल वाला हमारा, देखें ये बहुत अच्छा है लाल वाला हमारा। इसकी सेटिंग ये बेचारे की है, चोस्ट होना इसकी थोड़ी सी टूटी हुई है तो, लेकिन ये हमारे घर ही पैदा हुआ था। इनके जो अम्मा अब्बा थे वो खैर हमने आगे पीछे कर दिए थे, दे दिए थे, हमारे खाले पर इनके छोटे तो याद ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि भाई ये जो है ना साहब, ये बहुत अच्छे हैं उस हवाले से कि भाई ये मानूस है हमसे। और बाकी शेरू, शेरू का तो आपको पता है उड़ते हैं लोग, इन लोगों को बंद करके रखना पड़ता है भाई, उड़ जाते हैं, ख्वार करवाते हैं। अगर इनको दोपहर इस टाइम पे उड़ा दिया ना, अगर हमने जैसे ही असर के अजान का टाइम है तो फिर इन्होंने नहीं आना भाई, इन्होंने नहीं आना, तो इसलिए इनको हम थोड़ा कम खोल लें। आजकल सर्दियों में लोग कहते हैं, वैसे भी क्या कहते हैं, जो उड़ने वाले कबूतर है उनको नहीं खोलना चाहिए, ऊपर छिकरे वगैरह पकड़ लेते हैं, बाज पकड़ लेते हैं। भाई देखिए हम इतना कबूतरों का हमें आइडिया नहीं, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत आइडिया है तो भाई जरूरत क्या है, फिर हम नहीं खोलते ना यार, हम बाद में खोलेंगे। इसके करीब में अगर ये चले गए तो हमें बहुत अफसोस होगा, तो हम कहते हैं ना वो एहतियात जरूरी है। क्यों भाई शेरू, सही कह रहा हूँ? शेरू साहब हमारे ये बैठे हुए, इनके बच्चे आपको दिखाते हैं आज, शेरू साहब के बच्चों को दिखाते हैं। शैतान कबूतरी हमारी ये बैठी हुई है, माशाल्लाह से इनके बच्चों को भी बाहर निकालूंगा मैं आज, आप लोगों से इनको मिलवाता हूँ, थोड़े से बड़े हो गए होंगे। शुरू में मैंने आपको कहा था ना ये भाई 2-4 दिन इनको हम नहीं छेड़ेंगे, उसके बाद फिर इनसे मस्तियां करेंगे, तो आज वो मस्ती वाला दिन आ गया है। अब तुम तो बाहर आ जाओ आंटी, अब बच्चों में बैठी हुई ना, ये देखने बाहर आती है या नहीं आती, ये आ गई दोस्तों। ये जो है ना ये बड़ा वाला बच्चा है इसका, शैतान कबूतरी और क्या कहते हैं शेरू का, ये बड़ा वाला बच्चा है माशाल्लाह से। आप देखें अभी जो है ना इनकी आंखें अभी खुल गई हैं भाई, खुल गई हैं इनकी आंखें, वरना पहले नहीं खुली थी। तो तकरीबन ये जो मेरे ख्याल से इसको 4 दिन हो गए, ये वाले को देखें आप कितना छोटा छोटा था, क्यूट से लगते हैं ये, अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अभी जब इनके पर आएंगे ना तो और अच्छे लगेंगे आपको। अच्छा ये बड़ा वाला है, और ये जो दूसरा वाला है ना, ये वाला ये थोड़ा छोटा है इससे, 19-20 का फर्क है, कोई ऐसा खास फर्क नहीं हुआ, ये दोनों एक साथ ही निकल गए थे, जिनके हमने एक दिन पहले देखा तो नहीं थे। अच्छा इसकी आंखें, हमारी आंखें दिखाओ बेटा, आंखें दिखाओ, इसकी आंखें भी लग रहा है कि नहीं खुली, दोनों है माशाल्लाह से। इन दोनों के साइजों में थोड़ा सा ना होने के बराबर फर्क है, तो भाई दोस्तों माशाल्लाह से देख रहे हैं कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बर्ड्स हैं हमारे, और माशाल्लाह से भाई इनके जो, जैसे मैं बोल रहे थे ना, तो दाना बहुत अच्छे तरीके से खिला रहे हैं, क्योंकि दोनों के पेट अभी भी भरे हुए हैं। बाकी इन बच्चों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये खाना खिलाना जरूरी होता है, इनकी फर्स्ट ब्रीड है। अब इसकी टांग थोड़ी सी टेढ़ी क्यों लग रही है मुझे, तो देखें भाई दोनों दोनों ये एकदम ओके की रिपोर्ट है, मैं भाई दोनों माशाल्लाह से, मुझे इतनी खुशी हो रही है इनको देख कर, माशाल्लाह से इन्होंने बच्चे भी निकाले, और बच्चे तो निकाले निकाले, आप जो देखें दोनों बच्चे जो हैं इनको खाना भी अच्छे तरीके से खिला रहे हैं, दोनों बच्चे निकाले हैं भाई जबरदस्त। तो ये रहे इन दोनों के बच्चे, अब हम इसको इसमें रख देते हैं वापस, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ये नाराज हो जाए, शैतान कबूतरी हो रही है ना। तो भाई देखें ये एक छोटे वाले को पहले उठा के हमने इसमें रखा इनकी कुंडली में, अब ये बड़े वाले को भी हम उठा के वापस इसी में रख देते हैं, और अब इसको इनको इसकी जगह पे भी पहुंचाते हैं भाई, इनकी जगह पे भी पहुंचाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया इसकी जगह, ये इनका बॉक्स है, इसमें ये दोनों आ गए। अब आपको ना इन बच्चों के अपडेट हम इंशाल्लाह देते रहेंगे। तो भाई दोस्तों ये शैतान कबूतरी के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से पिजन्स के चिक्स थे, तो अब हम चलते हैं अपने मिनी जू के बड़े वाले पोर्शन में, वहां पे जाके हमने देखना है भाई शहजादी कबूतर के क्या हाल चाल है, उसके उसने भी अंडे दिए थे, वो बैठी अंडों पे, डॉन और डॉन के कबूतर के अंडों पे नजर मारते हैं, और हमारा रेड शीडल जो है ना उस पर थोड़ा फोकस करते हैं कि भाई उसका कंफर्म कब हुआ, नरमादी का उसने डाउट में डाल दिया है। तो चलो 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 चलो, ये देखे भाई इन दोनों के अंडे, यार इनके अंडे अभी भी वाइट है, हालांकि इसको हफ्ते 10 दिन हो गए, रात में इनको हमने चेक करना पड़ेगा। शहजादे साहब बैठे हैं, ये देखे भाई धूप की धूप इसके सिर्फ केस पे पड़ रही है, बाकी कहीं नहीं। शहजादे साहब बैठे हैं अंडों पे भाई, माशाल्लाह से भाई इन्होंने भी दे दिए अंडे। अब देखते हैं कि ये लोग इनके जो बच्चे वगैरह हैं निकलने की क्या सेटिंग बनती है। अच्छा इन्होंने दिया एक ही अंडा है, वरना नॉर्मली होता है कि 2 देते हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी एक ही।
ये भी हमारी शहजादी भी। अच्छा भाई हमारे लका रेड टेल का माशाल्लाह से जो है वो जोड़ा लग चुका है, और जोड़ा इनका लग चुका है। अब हमने देखना ये है कि भाई हमारा ये जो नर साहब है इसको देखें कितना गंदा हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है इसको मैं पकड़ता हूँ, मेरे हाथों में आता है पसीना दाने खिलाने के लिए। इसको मैं खुद खिलाता हूँ दाना, अभी तक ये नहीं खा रहा है दाना। अब ये जो है ये मादी है, फीमेल ये है, इसके साथ इसका जोड़ा भी लग चुका है। ये बच्चे दे देंगे ना, मतलब अंडे देते हैं बच्चे निकल जाते हैं, उसके बाद ये खिलाएंगे कैसे, ये भी तो बड़ा मसला है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन चले फिर भी कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं भाई नजर रखेंगे। पहले तो ये सबसे बड़ी बात है अंडे दें, क्योंकि उम्मीद तो ये है कि साथ साथ बैठे हैं। और ये नीचे ये वाला जो बॉक्स है ना, यहाँ पे ये छोटे ये नीचे इसके नीचे जो बॉक्स है ना, ये इसके अंदर जाते हैं, ये इसके अंदर जाके बैठते हैं। तो चले भाई हम अपने शेड्यूल का भी थोड़ा सा आपको आइडिया करते हैं। आज भाई दोस्तों ये आ गए हमारे शेड्यूल, और अमीरों ने ना यार दोस्तों डाल दिया है डाउट पे हम लोगों को ना, कि भाई ये अब समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों मेल हैं या मेल फीमेल हैं क्या है। अच्छा अभी तो मुझे तो जो अब फीलिंग आ रही है ना कि दोनों मेल की आ रही है, क्योंकि साथ तो है, देखिए अभी भी साथ है, लेकिन क्या ये अगर साथ होते हैं तो भाई अब तक काफी दिन हो गए इनका, क्या कहते हैं कम से कम इस पोजिशन में तो आते हैं कि भाई दिखें कि यार जोड़ा, ये देखें ये देखें ये देखें मार रहे हैं जिससे वो, ये दोनों कंसनरी हैं भाई अगर कोई। हाँ ये तो नरी लग रहे हैं भाई, बल्कि देखें उधर दे रहा है। तो भाई 70% तो इस वीडियो ने मुझे कंफर्म कर दिया कि ये दोनों मेल हैं, फिर भी एक ट्राई और करते हैं, दोनों को साथ लाते हैं चेक करने के लिए। हाँ भाई तुम लोग क्या कह रहे हो। तो भाई दोस्तों अगर आप कोई बंदा वीडियो देख रहा हो जिसको आइडिया हो ना कि भाई इस पोजिशन में अगर कुछ पता चलता है तो वो भी थोड़ा सा मुझे मशवरा दे सकता है कि यार ये दोनों मेल हैं फीमेल हैं क्या लग रहे हैं उन लोगों को भी ना, क्योंकि इनका पता चलना जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों मेल हैं ना तो फिर हम कोशिश करेंगे ना एक फीमेल लेकर आए। दोस्तों यार ये तो अजीब सीन कर दिया इन लोगों ने, अभी तो मुझे भी अब लग रहा है कि यार दोनों मेल ही हैं, तो क्या करेंगे या फिर फीमेल ढूंढो यार, बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब पेयर फिर भी मिल जाता है, पेयर ही ढूंढने में मुश्किल होती है फैंसी की, अब फीमेल ढूंढनी पड़ेगी यार। अब देखते हैं यार, सबसे पहले तो भाई हम अपने मसूद भाई हमारे हैं इनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उनके पास तो एक्स्ट्रा फीमेल हो गई ना, तो वहां से ये एडवांटेज मिल जाता है कि भाई बंदा लाके भी डाल देता है, उनसे ये एडवांटेज लाके डाल देता है, अंदाजा हो जाएगा तो फिर भले से चेंज कर लेंगे या जो भी वो कर लेंगे। देखें दोबारा लड़ रहे हैं यार ये तो भाई, ये दोनों मेल है भाई, ये दोनों कंफर्म हो रहा है मुझे मेल ही है, लड़ रहे हैं दोनों मेल है भाई, दोनों मेल है। क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्या चाह रहे हो, अरे अजीब हरकतें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं यार अब हड्डियां तो लड़ रहे हैं, वैसे सामने नहीं लड़ रहे होते, चला से पहले ना ये इस तरीके से होता नहीं था, अब ये उड़ रहा है, बस दाना नहीं खा रहा यार, दाना खा लो चाचा, दाना खाने लग जाओ चाचा। मतलब मुझे ये टेंशन नहीं है कि मैं इसको दाने खिलाना पड़ रहा, दाने खिलाने कोई मसला नहीं, मुझे मजा आता है, लेकिन मेन मुद्दा ये है ना कि भाई पेयर आएगा ब्रीड करेगा तो फिर होगा क्या, बच्चों छोटे बच्चों को थोड़ी खिला सकते हैं हम। हाँ ये होता है जो परवर निकल जाते हैं ना उसमें तो ये होता है कि आप खिला दे, बिल्कुल छोटे बच्चों को जो मैंने नोट करा है ना, खिलाओ तो बच्चे मर जाते हैं भाई। आए अपने सेकंड पोर्शन में चले यार, मिनी दूंगे इसका माशाल्लाह से इतना जबरदस्त लुक हो गया ना, अब इसके लिए मादी ढूंढनी है, मैं 2-4 दफा जा चुका हूँ, मुझे इसके इस लेवल की क्लास की मादी मिली नहीं, खूबसूरत उड़ता तो ये बहुत ही जबरदस्त है। और ये मलका साहबा का जो है ना, इनका भी वही मसला है जो सिडिल का मसला है, कि ये नर है या मादी, कभी मादी लगते हैं वैसे भाई देखने में तो अब ये नरी लग रहा है, बाकी अब पता नहीं है। तो ये कि अभी असल में मसला ये है ना कि इसमें एक्स्ट्रा जो मेल है, जैसे रेड वाला भी एक्स्ट्रा में मेल है, ये मादी एक्स्ट्रा थी तो वो इसने इसके साथ जोड़ा लगा लिया, मतलब ये पट्टा था बड़ा हुआ तो इसने जोड़ा लगा लिया, ये पट्टा भी हमने पकड़ा ही था, हमारा अपना तो आया हुआ नहीं है, जो पीछे व्हाइट वाली जो मादी है ना चाशनी के पीछे जिसको ये मार रहा है, ये भी घर पे ही पकड़ा था हमने, खुद ही आया था ये व्हाइट वाले के लिए। भाई हमने मादी ढूंढनी है, पहला टास्क तो ये, नर जो होता है ना वो मादी, मतलब समझ लें उसकी जो ब्लड लाइन होती है ना 75% मादी पे आती है, और मादी इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उड़ने वाली थी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर हम इसके जो है ना अच्छी मादी लगा के 2-3 दफा जोड़े लगाएंगे तो हमें वो मादा की फुल 100% ब्लड लाइन मिल सकती है। तो भाई ये बहुत अच्छा एक जो है वो है, मतलब साइन है, अगर ये नर निकलता है, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये नर निकले, क्योंकि हमें मादी की ब्लड लाइन ज्यादा चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन हमें मादी चाहिए, क्योंकि शैतान कबूतरी तो मादी है, वो इसी के फैमिली से, तो शैतान कबूतरी मादी का मतलब ये है, ये तो कंफर्म है ना, तो इसके अंदर जो 75% ब्लड लाइन है ना वो नर की है, और अगर क्या कहते हैं मलका जो है हमारी, अगर मलका जो नर निकल जाता है तो इसमें 75% ब्लड लाइन जो है वो मादी की आ जाएगी, और जो देखने में भी अपनी मादी की तरह है, मादी बिल्कुल इसी की तरह थी। भाई ये वो भाई क्या कर रहे हो, ओ चाचा क्यों मार रहे हो उसको, नहीं करो तो ये सारा सीन है। तो दूसरे हमारे जो बर्ड्स हैं माशाल्लाह से वो भी सब एक्टिव और हेल्दी हैं, हम डेली बेसिस पे तकरीबन जैक को तकरीबन रोज ही निकालते हैं ना, तो आज मैं सोच रहा हूँ जैक को ही, जैक के से जो छोटे भाई ना उसको निकालता है, क्योंकि परसों वाली वीडियो में जो मैंने उसको निकाला था ना तो बड़ी मस्तियां कर रहा था, तो आज मैं सिर्फ जैक के भाई को निकालूंगा। ये जो है ना ये बहुत चुलबुला है भाई, जैक इतना नहीं है, ये बहुत चुलबुला है, ये बहुत ज्यादा चुलबुला है जैक का भाई, इसका नाम तो सजेस्ट करें भाई क्या रखा जाए, उसका तो हमने जैक रख दिया, इसका नाम भी हमने जरूर रखना है,
क्योंकि आप कोशिश ये करेंगे भाई एक दिन इसको निकालेंगे एक दिन जैक को निकालेंगे, क्योंकि ये जो है ना जैक से ज्यादा घुल मिल गया है, घुल मिल गया ये कह सकते हैं। जैक का ये होता है वो उड़ता रहता है, ये है कि भाई बैठता भी है और उड़ता भी है, मस्तियां करता है अपनी। देख रहे हैं इसका लुक देखें कितना जबरदस्त है। कलर इसका जैक का कलर भी अपनी जगह, इसका कलर उससे थोड़ा चेंज है। ये जो है ना लाइट ब्लू और ग्रे कलर का है, जैसे बड़ा होगा ना तो यहाँ पे इसके जो ग्रे जो पाने ना वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बहुत क्यूट है यार ये, देख रहे हैं नीचे ऊपर पकड़ा हुआ ना मैं तो उसको नीचे जाने की फिक्र हो रही है। भाई दोस्तों आज ये अपडेट थी हमारे मिनी जू के, शॉर्ट मिनी जू के पिजन्स की। और आप लोग जाएं जाके भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं हमारा रेड टेल लगा जो है भाई खुद खा रहा है और भरपूर खा रहा है माशाल्लाह से। भाई मैंने तो इसके लिए देखे सिरिंज वगैरह निकाल के थ्रेडनिंग बनाई थी खाना खिलाने की, तो भाई माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त हो गया ये तो सीन। ये खुद खा रहा है और अच्छे तरीके से खा रहा है, ये देखें ये वाला है, देख रहे हैं आप इसको। और मैं अब तो यार माशाल्लाह से सरप्राइज पे सरप्राइज हमें मिल रहे हैं और अच्छे तरीके से खा रहा है। अब ये है कि मैं इसको खुद खाने देता हूँ, एंड में देखूंगा अगर इसको पकड़ के कि भाई कितना खा चुका है ये। भाई दोस्तों बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग हो गया कि हमारा रेड टेल का नर जो है भाई अपने हाथ से खा रहा है यार, मतलब अपने हाथ से बोल रहा हूँ खुद खा रहा है यार, खुद खा रहा है, जबरदस्त हो गया यार माशाल्लाह से जबरदस्त। कल तक तो नहीं खा रहा था ये, आज ये बिल्कुल खा रहा है भाई। इसका मतलब है जोड़ा लगने से, सही कहते हैं लोग जोड़ा वोड़ा लग जाता है तो ये सेटिंग सेट हो जाती है माशाल्लाह से। अपने अब ये खुद खा रहा है ना, तो अब ये के एंड में मैं सिर्फ इसका कोटा चेक कर लूंगा तो उसमें खाना कितना है, और थोड़ा सा अगर हुआ मुझे लगा तो खिलाऊंगा, वरना जरूरी नहीं है कि इसको खिलाया जाए। तो जबरदस्त हो गया दोस्तों। तो भाई दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की वीडियो को एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे, अपने भाई को दुआ में जरूर याद कर रहे होंगे और हमें खुशी इस चीज की है हमारा रेड टेल नर भी खा रहा है। तो चलो दोस्तों आप लोगों से कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलता है ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 ब्रेक, जबरदस्त हो गया।